वेलकम बैक टू माय चैनल बिजू का पाठशाला। मैं नितिन, आज आपको सिचुएशन टेस्ट की तैयारी करने से पहले के दो टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आपको अपडेट मिलता रहे। पहला चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, सिचुएशन टेस्ट में दो चीज़ के बारे में जैसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो उसमें एक चीज़ मैं आपको पहला बताऊँ कि बच्चे क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम देने से पहले बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो उसमें आपको नर्वस नहीं होना है। नर्वस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज कि आपकी जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है उसको उससे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। जब आप जाते हो तो आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप देखते हो, क्योंकि बहुत बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, फैशन की दुनिया पहले से ही वहाँ छाई हुई होती है, नए नए लंबे लंबे बूट्स, अलग अलग ड्रेसेस पहने होते हैं। तो जो कुछ लोग आते हैं बहुत जो ऑलरेडी क्रिएटिव होते हैं, वो उनको देख के बहुत ही सहम जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्या मेरा सिचुएशन टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। सिचुएशन टेस्ट ज़रूर क्लियर होगा, बिकॉज कि वो आपकी क्रिएटिविटी ऑफ माइंड को जज करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन चीज़ों को देख के आपको नर्वस नहीं होना है। इवन कि आप कितने भी ड्रेसअप कर लो, आप कितने भी अपने आप को ग्रूमिंग कर लो, सिचुएशन टेस्ट आपके सिर्फ माइंड के प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करता है और कुछ नहीं करता है। किसी के बाहर के पहनावे पे जजमेंट नहीं होती है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप इंटर करते हो, जब आप क्लासरूम में आप इंटर कर जाते हो, तो क्या होता है, लोग आपके पास आते, बहुत सारे और भी बच्चे होते हैं, अलग अलग बेंचेस पे बैठते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो उसमें क्या होता है, जब आपको टॉपिक मिलता है तो लोग क्या करते हैं कि पहले अपने बैग से बहुत सारे ढेर सारे कलर निकाल रहे हैं, ये रख रहे हैं, बड़े बड़े स्केल रख रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडलर के पेंसिल के सेट्स निकाल रहे हैं। तो उन चीज़ों को देख के आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिकॉज कि जो टैलेंट है वो सारा टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है। आप अपने क्वेश्चंस पे सिर्फ फोकस करेंगे और अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे जो आपका आपका काम आपको करना है वो आपको प्रेजेंट करना है, पूरी जो आपको शीट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपके पास जितने कलर हैं वो एनएफ कलर होते हैं, चाहे वो कलर हो, पेंसिल हो, स्टेडलर हो, वो एनएफ है। किसी के और देख के आप अपने आप को जज नहीं करना है कि यू आर द फेलियर, यू आर द नंबर वन, आप नंबर वन हो और आपको प्रूफ करके दिखाना है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।